माटल बाजारों में महंगाई का पर्चा, सस्ते आटे और चीनी के लिए आवाम की कतारें। यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ देने में नाकाम, चीनी और दर्जा सोम घी महंगे दामों फरोख। आटे और चावल पर भी सब्सिडी बराए नाम, BISP के साथ रिलीफ के लिए आने वाले परेशान। ज़ेरे तामीर तरक्याती मंसूबे फंड्स की खींचातानी की नज़र, LTA बंद रोड कॉरिडोर के फंड्स लेने में नाकाम। मंजूरशुदा फंड्स एक हफ्ते पहले मांगे गए, कोई जवाब ना दिया गया। मौजूदा सूरत हाल में मंसूबा रवा माह भी मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। मेट्रो बस रूट की तौसी पर एतराजात, मास ट्रांसिट अथॉरिटी ने शाहदरा से आके तौसी पर सवाल उठा दिया। चीफ इंजीनियर LTA ने GM मास ट्रांसिट अथॉरिटी को मुरासला लिख दिया। स्टेशन की रिमॉडलिंग में 14 करोड़ 90 लाख के एडिशनल फंड्स तलब, गढ़ी शाहू मनसूबे पर भी सवालात उठाए गए। शाबाश ड्रेफ्ट क्रिकेट टीम, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की T20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम को मुबारकबाद, कहा टीम वर्क मेहनत से श्रीलंका को शिकस्त दी। मोहसिन नकवी ICC इजलास में शिरकत के लिए आज दुबई रवाना होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी T20 वर्ल्ड कप पर बात होगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल आ गया। पंजाब की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा। लाहौर में एक कौमी और 4 सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल, N119, PP147, PP149, PP158 और PP164 में इलेक्शन होगा। कागजात नामजद की 16 से 18 मार्च तक तलब। पंजाब के इकलौते पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट की सुनी गई, 70 बरस बाद तजीन और आयश का काम शुरू। IPH में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जदीद शोबा भी कायम होगा। रीवैम्पिंग पर 35 करोड़ खर्च होंगे। अस्पतालों को अद्वियात की खरीदारी के लिए 6 अरब जारी। नमूनिया के वार बच्चों पर जारी, शहर में नमूनिया से एक और बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। 208 नए मरीज रिपोर्ट, पंजाब भर में 4 बच्चे जहां बहक, 621 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में रवान साल नमूनिया से 79 हलाकतें, 9,280 केसेस रिपोर्ट हुए। सरकारी स्कूलों में आज से इम्तिहानात का खास, सवालिया पेपर्स डाउनलोड करने का मामला हल ना हो सका। सवालिया पेपर्स की फोटोकॉपीज के लिए फंड्स भी फराहम नहीं किए गए। नए तालीमी साल में स्कूलों को 10% इजाफी दाखिलों का हदफ मिल गया। 1,10,000 नए बच्चे दाखिल किए जाएंगे। ताजबाग में मकीनों के लिए खुदाई अजाब बन गई, इंतजामिया गैस पाइपलाइन ने बिछाकर तबाह हाल सड़क छोड़ गई। बुबतिया बस्ती रावंज का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया, मुतादद गलियां टूट फूट का शिकार। शबीर पार्क अवान टाउन अटारी सरोबा में भी सेवरेज का मसला शिद्दत अख्तियार कर गया। रेस्टोरेंट्स को अफ्तारी से सहरी तक खुला रखने की इजाजत, जस्टिस शाहिद करीम का स्मोक तदारक से मुतालिक समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। LWMC से स्कूल्स कॉलेजेस के तलबा के साथ कम्युनिटी सर्विसेज सफाई मुहिम का हतमी प्लान तलब। परवेज इलाही का मुकदमा की तफसीलात के लिए हाई कोर्ट से रजू, जैसे शोएबा सलील रिजवी ने समाप्त से मासरत कर ली। केस किसी दूसरी अदालत में लगाने की सिफारिश, जस्टिस शोएबा सलील रिजवी ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजवा दी। जाली वकील राजा गनीम जमानत मंसूखी के बाद गिरफ्तार, एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन इदरीस SSP डॉक्टर अनुष मसूद पेश। हाई कोर्ट का एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन के बगैर तैयारी पेश होने पर नाराजगी का इजहार। जेलों में 20 डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स की नई सीटों की मंजूरी, महकमा खजाना ने नई सीटों की मंजूरी दे दी। तनख्वाहों और दीगर मेरात पर 341 मिलियन खर्च होंगे। महकमा खजाना ने महकमा दाखिला की समरी मंजूर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत 3 घंटे तवील इजलास, कैंसर अस्पताल का पहला फेज इसी साल मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला का टेफ्टा बोर्ड की असर नो तश्कील का फैसला। मरियम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, PIC इमरजेंसी ब्लॉक में मरीजों की आयादत की सहूलियात का जायजा लिया। फसाई आलूदगी का खात्मा, टर्मिनल इंडस्ट्रियल जोन में एमिशन कंट्रोलर लगाने और मॉनिटरिंग के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर। भट्टा इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजिटलाइज करने का हुक्म,
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सैर सदारत इजलास, भारत के साथ क्रॉस बॉर्डर वन टू वन माहदे पर इत्तफाक। मंडियों में सब्जियों फलों की कीमतों का तायुन जिले अफसरान की निगरानी में होगा। डिप्टी कमिश्नर आढ़तियों को सप्लाई बढ़ाने पर आमादा करेंगे। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत इजलास में फैसला। रमजान पैकेज के राशन बैग्स की तरसील, प्राइस कंट्रोल इकदाम का जायजा। कमिश्नर लाहौर का LWMC शाहीन कॉम्प्लेक्स का दौरा, सफाई के लिए बाइक स्क्वाड, नई मशीनरी और आगाही काउंटर्स चेक किए। कमिश्नर को सफाई शिकायत पर लाहौर लाइव पोर्टल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। IG पंजाब की जेर सदारत अदालतों की सिक्योरिटी पर इजलास। उस्मान अनवर का अदालतों की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। बोले बेचा एहतजाज की आड़ में अदालतों की आए रोज तालाबंदी काबले कबूल नहीं। IG से पुलिस मुलाजमीन और शहरियों की भी मुलाकात, दरखास्तों पर रिलीफ बारे अहकाम। CTO लाहौर का रोजेदारों के लिए बड़ा ऐलान, अफ्तार के करीब मामूली खिलाफ वर्जी पर नहीं होगा चालान। ट्रैफिक कानून की संगीन खिलाफ वर्जी पर ही पर्ची कटेगी। अमारा अतर के City 42 की रमजान ट्रांसमिशन में गुफ्तगु, कहा तजावजात और रॉन्ग पार्किंग करने वालों के लिए कोई माफी नहीं। सूबाई वजीर सनअत व तिजारत शाफे हुसैन का पंजाब सरमायाकारी बोर्ड का दौरा, सूबे में नई सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल। इधर सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफी की जेर सदारत इजलास, सुथरा पंजाब मुहिम को तहरीक में बदलने की हिदायत। सूबाई वजीर सलमान रफीक ने अपने दफ्तर में मसाइल सुने, YDA के वफद से भी मुलाकात की। डॉक्टर आतिफ मजीद, डॉक्टर शुएब नयासी ने मसाइल बताए। डॉक्टर जाफर, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर हमजा, डॉक्टर सलमान हसीब और दीगर मौजूद थे। इधर सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान हसीन ने वर्टिकल प्रोग्राम्स की परफॉर्मेंस पर रिपोर्ट तलब कर ली। रीवैम्पिंग करने के लिए जामे मनसूबाबंदी करने की हिदायत। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासिन का बदामी बाग सब्जी मंडी का दौरा, वजीर ज़राअत सैयद आशिक इरमानी भी हमराह थे। सब्जियों की नीलामी के अमल का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर भी हमराह थी। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन का दौरा, हुकाम से पैक के इम्तिहानी सिस्टम और पेपर स्कैंडल पर ब्रीफिंग ली। वजीर मातनियात शेर अली गौरजानी की जेरे सदारत इजलास, माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट से मुंसलिक इदारों की ब्रीफिंग। सूबाई वजीर अकलियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा से वफद की मुलाकात, अलेक्जेंडर जान मलिक, नदीम डामरान, इरफान जमील, समीना भट्टी शामिल। वफद ने सूबाई वजीर रमेश सिंह को ओहदा संभालने की मुबारकबाद दी। DG LGA ताहिर फारूक का Avenue 1 का दौरा, वन विंडो की रिवैम्पिंग का जायजा लिया। के ब्लॉक में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सेंट्रल पार्क में पौधा लगाया। Avenue 1 जुबली टाउन में रिहायशों को बेहतर सहूलियात की फराहमी बारे प्लान तलब। पंजाब के 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगेंगे। सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान माहदा, MDS and Yunus और NRTC के आमिर जावेद ने दस्तखत किए। एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सेंसर भी लगाए जाएंगे। खातीन के आलमी दिन की मुनासबत से कॉन्फ्रेंस, लाइफ फॉर गार्टन फाउंडेशन और पाकिस्तान पार्टनरशिप इनिशिएटिव ने एहतमाम किया। खातीन को दरपेश मसाल और उनके हल पर बात। अपर मॉल पर सर्कल वुमेन एसोसिएशन के तहत तकरीब, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली नामवर खातीन शरीक। समीना अमजद, प्रोफेसर सहर लतीफ, सिदरा अली का इजहार ख्याल। मीडिया स्टडीज के तुलबा वफद का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस तौसीफ सभी गोंदल ने ब्रीफिंग दी। तुलबा को अवामी आगाही कंपेन, पब्लिक रिलेशंस और वीमेन सेफ्टी ऐप बारे बताया गया। वफद को पुलिस के पहले वेब चैनल की वॉकिंग दिखाई गई। CCPO से मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात, हेड कांस्टेबल मजीद हुसैन और कांस्टेबल मोहम्मद रिजवान ने गोल्ड मेडल्स जीते। बिलाल सदीक कमियाना का गोल्ड और सिल्वर मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए तारीफी असनाद, नकद इनाम का ऐलान। रमजान मुबारक T20 टूर्नामेंट, अलहमद लॉजिस्टिक ने बाजवा स्कूल ऑफ क्रिकेट को
चार विकेटों से शिकस्त दे दी। बाजवा स्कूल ने 129 रन बनाए। अलहमद लॉजिस्टिक ने 6 विकेटों के नुकसान पर मैच जीत लिया।